शहर बानो फ्रॉम इन्फोटानिया। आज की वीडियो इस बात को कवर करने के लिए बनाई जा रही है कि जो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली एम्प्लॉयमेंट के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री को सेफ समझते हैं या ये समझते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री इज अ गुड इंडस्ट्री और उसके अंदर जॉब सेफ होती हैं, जॉब्स करियर वाइज बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत जो है वो ग्रोथ उसमें ज़्यादा है, डेवलपमेंट ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाई है कि खास तौर पे अगर आप लोगों को बैंकिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है तो कुछ चीज़ें जो आपको अपने जहन में रखनी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान, जो खास तौर पे इस चीज़ को यकीनी बना रहा है कि बैंकिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले या वाइल यू आर इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, आप जॉब कर रहे हैं किसी बैंक पे या नहीं कर रहे हैं दैट डजंट मैटर, लेकिन अगर आप JAIBP विच इज़ जूनियर एसोसिएटशिप of Institute of Bankers Pakistan JAIBP के तीन stages हैं, basically examinations हैं, अगर आप ये examinations pass कर लेते हैं तो इसका basically मतलब ये होता है कि banking industry की basic know-how, banking industry में कौन सा function कहाँ पे हो रहा है, कौन से processes हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ जा रही है, every detail वो आपको इस examinations में cover करवा देते हैं। सो बेसिकली मैं आपको इस एग्जामिनेशन का एक नोहाव दे देती हूँ, जनरल नोहाव दे देती हूँ। JAIBP जो है वो बेसिकली तीन स्टेजेस के अंदर डिवाइड हुआ है, स्टेज वन, स्टेज टू एंड स्टेज थ्री। ठीक है, सबसे पहला आता है स्टेज वन। स्टेज वन के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे बहुत बेसिक लेवल के कोर्सेज हैं, मतलब ब्रांच बैंकिंग है कि ब्रांच के लेवल पे बैंकिंग के अंदर कितने ऑपरेशन हो रहे होते हैं, IT है कि फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स कैसे यूज हो रहे होते हैं, क्या क्या नई टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स हैं, ATM machines, POS machines, जितना भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टफ है दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन योर IT। ठीक है, उसके बाद आपके पास ब्रांच बैंकिंग हो गया, आपके पास IT हो गया, आपके पास बेसिक लेवल के कोर्सेज हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं स्टेज टू पे। हर स्टेज के अंदर बेसिकली फोर कोर्सेज होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेज टू के ऊपर। स्टेज टू के अंदर थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल के कोर्सेज हैं। इंटरमीडिएट से मेरा मतलब है कि स्टेज वन के अंदर जैसे बेसिक आपको पढ़ाया जा रहा था कि टेक्नोलॉजी कैसे यूज होती है, बेसिक आपको पढ़ाया जा रहा था कि ब्रांच बैंकिंग क्या होती है, बाकी सब, इसी तरह स्टेज टू के अंदर थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, उसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक कोर्स है, इकोनॉमिक्स का एक कोर्स है, इस तरीके से कोर्सेज का लेवल थोड़ा सा हाई। ठीक है, इसके अलावा अब हम आते हैं स्टेज थ्री पे। स्टेज थ्री के अंदर एडवांस लेवल कोर्सेज हैं, ट्रेजरी ऑपरेशंस का कोर्स है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स है। तो इस तरीके से ये स्टेजेस डिवाइड हुए हैं कि आप फर्स्ट स्टेज क्रॉस करते हो आप और केपेबल हो जाते हो स्टेज टू के लिए, आप स्टेज टू क्रॉस करते हो आप और केपेबल हो जाते हो स्टेज थ्री के लिए। सो दीज आर द कोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू दीज कैटेगरीज। बिगिनर लेवल के कोर्सेज स्टेज वन में है, फिर इंटरमीडिएट लेवल के कोर्सेज स्टेज टू में है, इसी तरह एडवांस लेवल के कोर्सेज जो थोड़े टफ भी होते हैं वो स्टेज थ्री में है। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप इसको ऑप्ट करना चाहें तो आप कैसे करें। बेसिकली आप इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पे आपको लिंक मिलेगी ISQ ऑनलाइन पोर्टल की। ISQ क्या है? ISQ बेसिकली एक वर्ड है, ISQ, जिसके अंदर आपके दो पार्ट्स होते हैं, विच इज JAIBP एंड AIBP। जब आप JAIBP के तीनों स्टेजेस क्रॉस कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेज आपका AIBP आता है। AIBP इज एसोसिएटशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान, जो JAIBP के अबव का स्टेज है। उसमें स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं और स्पेशलाइजेशन होती है, बेसिकली कि आपको किस चीज में स्पेशलाइजेशन करनी है। स्पेशलाइजेशन के लिए भी आपके पास क्राइटेरिया है, आपके पास ऑप्शन है बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल SME बैंकिंग ऑप्शन है आपके पास, उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड का ऑप्शन है आपके पास, उसके अलावा एग्रीकल्चरल बैंकिंग का ऑप्शन है, इस्लामिक बैंकिंग का ऑप्शन है आपके पास। देयर मल्टीपल ऑप्शंस देयर अवेलेबल फॉर यू कि आपको जिस भी बैंकिंग की फील्ड में जाना है, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री भी बहुत वास्ट इंडस्ट्री है, उसके अंदर भी बहुत लेवल्स हैं, बहुत प्रोसेस हैं, तो आपको जिस भी इंडस्ट्री के अंदर जाना है वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स पाकिस्तान की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो ISQ का पोर्टल आपको मिलेगा। उस पोर्टल के अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। बेसिकली आप रजिस्टर जैसे करते हैं तो आपको फॉर्म्स अवेलेबल होंगे, आपको जिस भी स्टेज का फॉर्म फिल करना है, ऑब्वियसली फर्स्ट में आप फर्स्ट स्टेज वन का फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद स्टेज टू का, उसके बाद स्टेज थ्री का, फॉर्म्स, वाउचर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। उसके अलावा IBP की वेबसाइट के अंदर आपको पास्ट पेपर्स IBP के, IBP की बुक्स PDF फॉर्मेट में, एवरीथिंग इज अवेलेबल।
इस सब चीज के बावजूद अगर आपको नोट्स मटेरियल में हेल्प चाहिए, या अगर आपको कोई क्वेरी है, या अगर आपको करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बगैर आपका फ्यूचर बैंकिंग इंडस्ट्री में कैसा है और इसके साथ आपका फ्यूचर कैसा है, और आपकी जितने भी पास्ट डिग्रीज जो आपने ली हैं वो इसके साथ कोइंसाइड कर रही है नहीं कर रही है, और आप कन्फ्यूज हैं, या आपने कोई रूमर सुना हुआ है जो आपको कन्फर्म करना है, तो आप डेफिनेटली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हमारा यूट्यूब पेज एक्टिव है, हमारा फेसबुक पेज, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हमारा सारे भी जितनी भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमसे रिलेटेड है वो सब कुछ आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी. नीचे आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे उसके अंदर सारी लिंक्स सारी चीजें आपको मिलेंगी. बाकी आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपको रीच कर लें, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. और उसके अलावा आपको जिस भी क्वेरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे वो करियर काउंसलिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो इस डिग्री के बारे में हो, चाहे वो किसी और डिग्री के बारे में हो, कोई और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स हो, हमारे पास यहाँ पे पूरा नेटवर्क है प्रोफेशनल्स का कि जो आपको हेल्प कर सकते हैं, जो आपको बता सकते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए. बेसिकली इन्फोटेनिया का बेसिक जो हमारा मिशन है वो ये है कि हम पढ़ाई को, एजुकेशन को आप लोगों के लिए आसान बना दें. जो काउंसलिंग हमें नहीं मिली है हमारे स्टेज पे वो हम आपको प्रोवाइड करें, ताकि कोई भी करियर वाइज स्टेप आप ना लें ऐसा कि जिनके बारे में आपको पता ना हो, या आप कंफ्यूज हो, या आप अनश्योर हो. हर स्टेप जो भी आप अपने करियर में ले रहे हैं आपको कन्फर्म पता हो कि ये मैं लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो मैं ये स्टेप ले रही हूँ, और आपको उसके प्रोज और उसके कॉन्स, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस सब कुछ क्लियरली पता हो. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जितनी आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं उतनी करें. अगेन दिस इज शहर बानो फ्रॉम इन्फोटेनिया. इंशाल्लाह आई एम होपिंग कि आप कमेंट्स करेंगे, आप बताएंगे कि आपको इस वीडियो के थ्रू कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली, तो कोई हेल्प हो गई तो प्लीज़ हमें बताइएगा. वेदर आपको कुछ और सीखने का दिल है, कुछ और आप चाहते हैं कि हम पोस्ट करें, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच फॉर व्यूवरशिप एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.